दिनों से चल रही जदयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बीच विधानसभा चुनाव की समीक्षा जारी है। जनता दल यूनाइटेड लगातार इस बात पर मंथन कर रहा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के बुरे प्रदर्शन के पीछे कौन सी वजह रही। जेडीयू के नेताओं ने कार्यकारिणी की बैठक में खुलकर बीजेपी की भूमिका पर सवाल खड़ा कर सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी की वजह से विधानसभा चुनाव हारे। नीतीश कुमार ने भी अपने नेताओं के सामने दो टूक शब्दों में कह दिया कि उन्हें दोस्त और दुश्मन की अच्छे तरीके से पहचान है। लेकिन अब जेडीयू के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी बीजेपी की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा कि राजनीति में गठबंधन धर्म को निभाना अगर सीखना है तो नीतीश कुमार से सीखा जा सकता है। गठबंधन में शामिल दल के आंतरिक विरोध और साजिशों के बावजूद भी उनका सहयोग करना नीतीश जी को राजनीतिक तौर पर महान बनाता है। नीतीश कुमार के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मांझी ने साफ मैसेज दे दिया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रची और इसके बावजूद नीतीश से सहयोग करते रहे। मांझी का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार करीब है। उम्मीद जताई जा रही है कि मकर संक्रांति के बाद बीजेपी जब अपने नेताओं की लिस्ट भेजेगी तो नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मांझी खुद कह चुके हैं कि उन्हें नीतीश कैबिनेट में एक और मंत्री पद चाहिए। ऐसे में जेडीयू का जो दर्द बीजेपी के रवैया पर सामने आया है उसमें मांझी भी नीतीश के साथ खड़े दिखने को तैयार हैं।